एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोग जीवन से क्यों हार जाते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ समझनी होगी कि जीवन टिका किसके ऊपर है। आपने एक कहानी तो सुनी होगी सभी ने कि एक राक्षस की जान एक तोते में होती थी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की जान किसी न किसी में अटकी होती है। अब सवाल है कि कोई व्यक्ति अपनी जीवन की जो जान है वो किस में अटकी हुई मानता है और उसी के अनुसार वो व्यवहार करता है। एक प्रसंग मुझे याद आता है जिस समय अशोक वाटिका में सीता जी रावण की बंदिनी थी। रावण उन्हें बहुत सताता है आकर और अपने राक्षसियों का एक विशेष दल भेजता है सीता जी को टॉर्चर करने के लिए, और वे इतनी यातना देती हैं सीता जी को कि सीता जी को लगता है अब अपना जीवन ही समाप्त कर देना चाहिए, इतनी यातना सहने से तो अच्छा है। तो फिर वे निर्णय लेती हैं कि मैं अपनी चोटी का ही फंदा बनाकर अपना जीवन समाप्त कर लूँगी। और फिर सहसा उन्हें ध्यान आता है कि आत्मघात करना तो महापाप है और वे तत्काल इस विचार को त्याग देती हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन करने की भीतर गहरी अभीप्सा लिए, चाह लिए वे रावण की हर यातना को सहती हैं। तो प्रश्न यह है कि यदि मनुष्य अपने प्राणों को धन में, पद में, प्रतिष्ठा में यदि इसमें बसाकर रख लेता है तो इनके जाते ही वह अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। सुना होगा आपने व्यापार में किसी को नुकसान हो गया, सारा धन लुट गया और वह जीवन समाप्त कर लेता है। पूछो क्यों भाई, क्या धन ही तुम्हारा जीवन था? क्या बाकी और ये समाज, ये परिवार, ये देश, ये तुम्हारा जीवन नहीं है? और यदि ये जीवन है तो तुम उससे कैसे हार गए? इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न वर्षों पहले मेरे पास आया था और उसमें मैंने इन सब बातों का विस्तार से उल्लेख किया था। तो आज वही एक पुराना वीडियो आपको दिखाता हूँ जिसमें इन बातों को मैंने प्रमुखता से उठाया था, समझाया था। यदि हम इन बातों को समझ लेंगे तो जीवन से निराश नहीं होंगे, जीवन से सदा आशा लगाए ही रखेंगे। और ये आशा की डोर जब तक बंधी है तब तक जीवन सुरक्षित है, ये समझ लीजिए बस। तो इस वीडियो के माध्यम से अब जो आगे दिखाया जाने वाला है आप जानेंगे कि वास्तव में जीवन है क्या और उसकी रक्षा कैसे की जाती है। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? यह एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय है। एक प्रश्न आया है बहुत ही दुखी मनस्थिति के अंदर कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, तो उनका प्रश्न पहले उन्हीं के शब्दों में हम सुनते हैं फिर आगे की बात करते हैं। नमस्ते ईशान जी, सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगी कि काम पड़ने पर ही मैं आपको कॉल करती हूँ। ईशान जी, कल से मेरा मन बहुत दुखी है। दरअसल सुसाइड की न्यूज़ सुनकर तो सभी का मन भर जाता है। एक गरीब आदमी आत्महत्या करता है तो बात समझ आती है, लेकिन एक अमीर आदमी, शोहरत भरी शख्सियत वाला इंसान जब वह सुसाइड करता है तो बात कुछ समझ नहीं आती। आपके उत्तर मुझे सेटिस्फाई करते हैं। प्लीज़ मुझे यह बात समझा दीजिए जिससे मेरे मन का दुख हल्का हो। तो आपने सुना गिन्नी का प्रश्न, वह इस समाचार से कितनी दुखी है कि किसी ने आत्महत्या की। कहीं दूर का कोई समाचार उसे मिला। प्रत्येक संवेदनशील मन ऐसे समाचारों को सुनकर दुखी हो ही जाता है, स्वाभाविक है उसका दुखी होना। लेकिन मूल बात यह है कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। दरअसल इसका इतना बड़ा आकाश है समझाने के लिए कि शायद ये वाली बातचीत बहुत छोटी पड़े, पड़ेगी ही छोटी, फिर भी मैं कुछ न कुछ इसके विषय में सारगर्भित ऐसा कहूँगा कि जो
सोचने के लिए विवश करे मनुष्यों को। सबसे पहली बात तो ये है कि व्यक्ति यह सोचे कि वह है क्या। है क्या से आप समझिएगा मेरा मतलब, कि एक व्यक्ति अपनी हार्मनी, अपनी संगति, अपनी एकरूपता, अपनी वननेस किस चीज के साथ बिठा कर रखता है। मानकर चलिए एक व्यक्ति ने अपने जीवन में सब कुछ सिर्फ पैसे को माना है, मनी, धन को। वह ये सोचता है कि धन ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है कि जिस दिन उसके जीवन से धन चला जाता है तो वह सोचता है कि मेरा जीवन तो अब कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि धन ही तो सब कुछ था मेरे लिए। वह चला गया तो अब बचा क्या। तो फिर हम जीवन को वाइंड अप करते हैं, समेटते हैं जीवन को। एक व्यक्ति सोचता है कि पद ही सब कुछ है। मैं देखता हूं अनेक समाचार ऐसे आसपास कि कई लोग जो उच्च परीक्षाएं होती हैं, हाई एग्जाम्स, जिनको पास करने के बाद वो बहुत ऊंचे पद पर पहुंचेंगे, बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे, उनमें असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो एक बड़ी परीक्षा, एक ऐसा एग्जाम जो उनके स्टेटस का सिंबल था, उसको वो क्लियर नहीं कर सके, तो उनको लगता है कि अब फिर जीने का क्या फायदा। जिस पोस्ट के लिए हमने इतनी मेहनत की, एग्जाम्स इतने क्लियर किए, कई कई बार किए, फेल हो गए, तो वाइंड अप करते हैं लाइफ को। तो हुआ क्या, उन्होंने अपने जीवन की वननेस पोस्ट के साथ बिठा ली थी। ऐसे ही अब तीसरा आता है, यश, फेम, प्रसिद्धि। कोई व्यक्ति सोचता है कि यदि मैं प्रसिद्ध नहीं हो पाया, मुझे वो फेम नहीं मिल सका जो मुझे चाहिए था, तो फिर क्या फायदा। वाइंड अप करते हैं जीवन को। तो मैंने तीन चीजें बताई, धन, पद और प्रतिष्ठा, मनी, पोस्ट यानी स्टेटस एंड फेम। तो जिस जिस व्यक्ति ने इन इन चीजों के साथ अपनी एक वननेस बिठा ली होती है, एक रूपता, जिस दिन इनके पास ये चीज चली जाती है तो उनको लगता है जीवन व्यर्थ। अब उनके लिए अपना परिवार, समाज, देश, इन सबसे कोई मतलब नहीं। एक बहुत बड़ा व्यापारी है, बेहिसाब पैसा है और पैसा बनाने की वो मशीन बना हुआ है। एक दिन ऐसा आता है कि वो ग्राउंड जीरो पर आ जाता है। तो ग्राउंड जीरो पर आते ही वो क्या करता है कि अब कुछ रहा ही नहीं, तो अपनी लाइफ को वाइंड अप, आत्महत्या कर लो। अब उस समय उससे कोई पूछे कि ये तेरी पत्नी, तेरा परिवार, तेरा देश, तेरा समाज, ये सब क्या है, तो उसके लिए वो सब चीजें बड़े ध्यान से समझना, वो सब चीजें बाई प्रोडक्ट हैं। कि इतना पैसा है तो शादी भी करेगा, परिवार भी बसेगा, बच्चे भी होंगे, दोस्त भी होंगे, समाज भी होगा, लेकिन वो बाई प्रोडक्ट, वो परिवार, वो देश, वो समाज, वो उसका जीवन नहीं है। उसने कभी उनके साथ अपनी वननेस नहीं बिठाई, कभी नहीं सोचा कि मेरे इस स्टेप के बाद परिवार का, समाज का, देश का, इन सब का क्या होगा। इन सबके प्रति एक जिम्मेदारी होती है। केवल व्यापार में घाटा हो गया या कोई और बड़े नुकसान हो गए, उनको लेकर आप अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं, तो बाकी कर्जे आप कब चुकाएंगे। ये जीवन समाप्त करना एक तरह का एस्केप करना है, पलायन करना समस्याओं से। एक व्यक्ति है, मानकर चलिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़ी गहरी बात आज के कंटेम्प्रेरी फेस में मैं समझा रहा हूं, फिर उसका मैं दूसरा उदाहरण भी दूंगा। एक व्यक्ति है राजनीतिक पार्टी में, पार्टी उसको अगले दिन देश का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर बनाना चाह रही है। सुबह उसको शपथ लेनी है, रात को पार्टी आलाकमान उससे कहती है कि सुनो भाई, कल तुम इस पद की शपथ नहीं लोगे और मेरी इच्छा है कि 14 साल के लिए तुम राजनीति से बाहर चले जाओ, बल्कि देश से ही बाहर चले जाओ। अब पार्टी आला कमान जिस भी
व्यक्ति को ऐसा आदेश देगी, सबसे पहले तो वो विद्रोही हो जाएगा, पहला काम। बाकी लोग शोर मचाएंगे, हल्ला गुल्ला मचेगा, और वही एड़िया रगड़ रगड़ कर रोएगा, चिल्लाएगा कि ऐसा कैसे मेरे साथ कर रहे हो। और नहीं बात बनेगी तो हो सकता है वो इस स्टेप को भी उठा ले कि चलो जीवन ही समाप्त करो, जब अपना भविष्य ही नहीं रहा कोई राजनीति में तो बाहर जाओ। अब जब मैं लोगों को ऐसे समय में महापुरुषों के उदाहरण देता हूं, लोग बहुत चिढ़ते हैं मेरे से कई बार कि मैं भगवान राम और कृष्ण का उदाहरण क्यों देता हूं। वो कहते हैं वो तो अवतार थे, वो तो महापुरुष थे, हमें उनसे कंपैरिजन मत करो। लोग तड़प जाते हैं इन उदाहरणों को सुनते। अब ऐसे ही किसी व्यक्ति को जब मैं कहता हूं कि देखो अगले दिन भगवान राम का राज्याभिषेक होना था, उनको आप कुछ भी कह लो कि उनको अयोध्या का प्रेसिडेंट बनना था, प्राइम मिनिस्टर बनना था, या कुछ भी शब्द आप, मतलब सबसे चीफ बनना था उनको, अगले दिन कह दिया गया कि आप, सूचना दी गई, जस्ट इंफॉर्मेशन कि ऐसे हालात बन रहे हैं कि जिनके अंदर ये कहा गया है कि आपको 14 वर्ष का वनवास। राम ने कुछ नहीं कहा, कोई विद्रोह नहीं किया, कोई अपनी नाराजगी नहीं जताई, और प्रसन्न चित्त से एक सेकंड नहीं लगा अयोध्या से विदा हो गए। नो डिप्रेशन, क्योंकि राम ने अपनी हार्मनी, अपनी एकरूपता, अपनी वननेस उस राजा की कुर्सी से नहीं बिठाई थी, ना अयोध्या के धन से बिठाई थी। ऐसी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को देख लो, महाराणा प्रताप को देख लीजिए, सुभाष चंद्र बसु को देख लीजिए, इन लोगों ने कितने कष्ट नहीं सहे। अगर आप इनके जीवन चरित्र को पढ़ें तो पढ़ते पढ़ते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और आप इनकी जगह खुद को रखकर देखें तो आप सोचेंगे कि हम तो एक कदम आगे नहीं सरक सकते थे। और ये लोग उस समय भी परमात्मा के ध्यान में ऐसे मग्न रहे, सांसारिक किसी भी असफलता को इन्होंने अपने हृदय से छूने नहीं दिया। तभी तो अवतार हैं, तभी तो महापुरुष हैं। और ये सारी खेल क्यों रचे इन्होंने? हमें प्रेरणा देने के लिए। और इन्हीं बातों से लेकर लोग मुझसे चढ़ जाते हैं कि हमारा कंपैरिजन राम से मत करो। अरे तो किससे करूं? उन्होंने क्यों अपनी ये सारी ये लीलाएं दिखाई इन जितने भी महापुरुषों को? और भी अनंत महापुरुष हैं जिन्होंने कितने अपार जीवन में कष्ट सहे। एक भी दिव्य पुरुष ऐसा नहीं है जिसने असफलता होने के बाद आत्महत्या की। द्रौपदी महानतम स्त्रियों में से एक, 5 नारियां हमारे यहां कही जाती है प्रातः वंदनीय, जिनकी पूजा की जानी चाहिए, उसमें द्रौपदी का बहुत उच्च स्थान है। सोचो कि जो महारानी थी, एक चक्रवर्ती सम्राट की साम्राज्ञी, और उसे एक दासी का काम करना पड़ा। सम्राट युधिष्ठिर सेवक बने, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर विरहन्नला बना, नाच गाना सिखाने वाला, ये सब वो थे। कितने कष्टों से गुजरे हैं ये, लेकिन कभी कोई ऐसा भाव नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब यहां इस क्यों का उत्तर आप समझिए। स्वामी विवेकानंद अक्सर संबोधित करते हुए युवकों को कहते थे, भारतवासियों को बल्कि, हे मेरे अमृत पुत्रों। तो क्या है वो अमृत पुत्र? तुम परमात्मा के पुत्र हो, परमात्मा अमृत रूप है, और जब तुम अमृत के पुत्र हो तो मर सकते ही नहीं। अमृत पुत्रों कहकर उन्होंने इतनी सारी बातें एक साथ कह दी कि जीवन की किसी भी कठिनाई को, किसी भी बाधा को तुम जीत सकने में समर्थ हो। संसार की कोई भी विपदा तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे मनोबल को नीचे नहीं गिरा सकती। तुम अमृत पुत्र हो। तो ऐसा गजब का साहस विवेकानंद ने पूरे संसार में भरा। सबको कहा उन्होंने, हे मेरे अमृत पुत्रों, कोई भारत वालों को ही नहीं कहा, वो तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, पूरा संसार मेरा परिवार है। तो अब यहां बात समझने वाली है कि व्यक्ति को यदि इस अमृत पुत्र को जीवन में उतारना है
तो सबसे पहले तो उसे अपनी एकरूपता, अपनी संगति, अपनी हारमोनी परमात्मा के साथ बैठानी होगी, तो फिर संसार की कोई बाधा उसको छू नहीं सकती। और उसे यह भी समझना होगा कि उसके बहुत सारे ऋण हैं, परिवार पर, अपने माता पिता पर बहुत ऋण हैं, गुरुजनों पर हैं, मित्रों पर हैं, समाज पर हैं, और फिर देश पर हैं, और फिर उसके बाद जाके इस धरती पर हैं, जिस धरती ने उसे जन्म दिया। उसने इतनी श्वासें ली इस धरती पर, क्या उन पेड़ों के प्रति उसका कोई दायित्व नहीं? उतने वृक्ष लगाए वो जितनी उसने सांसें ली हैं, जितना अन्न खाया है उतना अन्न उगाए क्यों नहीं करते? ऐसा ही एक बहुत पहले, कोई 10-12 साल पहले, कोई बहुत बड़ा एक ऐसा भूचाल आया था व्यापारिक क्षेत्र में कि लोगों के बहुत नुकसान हुए थे। तो एक व्यापारी को मेरे पास लाया गया था कि जो अक्सर घर में यही बातें करता था कि कुछ नहीं बचा, मेरा जीने का मन नहीं करता, बड़ी निराशापूर्ण बातें करता था। तो मैंने उससे कहा कि बात सुन, तेरा जीने का मन नहीं करता ना, तो हिमालय में बहुत सारे आश्रम हैं जहां मैं रहा हूं, योगी रहते हैं, तू एक काम कर, इस संसार को छोड़ और उन हिमालय के योगियों के पास जाकर रहना शुरू कर दे, तुझे अब जीवन ये अच्छा नहीं लगता ना, तो उससे बेस्ट ऑप्शन मैं तेरे को बता रहा हूं सोसाइट से, जो तू कई बार सोच रहा है, तो ठीक है ये बात? वो बहुत देर सोचता रहा और बोला, नहीं मुझे ये जीवन ही अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा व्यर्थ की बात मत करो, मैं तुम्हें कह रहा हूं, गया ना तुम्हारा ये जीवन, अब एक नए जीवन में वहां प्रवेश करो। आपको पता है प्राचीन काल में संन्यास कैसे दिया जाता था? कि जो व्यक्ति संन्यास लेता था उसको विधिवत चिता पर बिठाया जाता था और अग्नि जलाई जाती थी नीचे, और जब वो अग्नि जल जाती थी तो उसको एकदम उतार लिया जाता था और उसे कहा जाता था कि देख, ये एक हमने सेरेमनी कर दी है, इस सेरेमनी में जो तू पहले था वो अब समाप्त हो चुका है, अब तेरा नया जन्म हुआ है, तो अब ये तेरा नया जन्म है। तो मैंने उस व्यक्ति को समझाया कि इस तरह से तेरा नया जन्म होगा, तेरी बात भी पूरी हो जाएगी, लेकिन वो सहमत नहीं हुआ क्योंकि एस्केप करना था। और दूसरी बात कि भीतर की जो तारतम्यता है, भीतर की जो वननेस है, वो उसके साथ नहीं बिठाई गई थी, नीचे गिरा देती हैं उसके मनोबल से। और तीन चीजें और हैं आगे, प्रेम में असफल होना, अपनी बेइज्जती महसूस करना, अपमान महसूस करना, कोई गिल्ट भीतर, कोई कुंठा, ये तीन चीजें भी ऐसी हैं जो व्यक्ति इनसे पार नहीं जा पाते और आत्महत्या के बारे में सोचने लगते हैं, जिसमें अब पहले मैंने कही प्रेम में असफल हो जाना। अब यहां ये तीनों चीजें आप ध्यान से देखिए कि अपना अपमान महसूस करना, छोटी सी बात कि मुझे पार्टी में नहीं जाने दिया, या सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, या मैं वो फिल्म देखने जाना चाहता था मुझे रोक दिया गया, पिकनिक पर जाने से रोक दिया गया, ये छोटी छोटी सी बातें, और उनसे गुस्सा होकर, नाराज होकर व्यक्ति का आत्महत्या का विचार करना, और मन की कोई कुंठा कि मुझसे कुछ ऐसा गलत हो गया जो नहीं होना चाहिए था, इन तीन चीजों की जैसे ही मन में धारणा आती है तो जो भीतर की नकारात्मक शक्तियां होती हैं, नेगेटिव फोर्सेस, वो हावी हो जाती हैं और वो ये गलत स्टेप उठवा देती हैं। क्यों हावी हो जाती हैं? क्योंकि हमारे पास वास्तव में भक्ति की संपदा नहीं है। यदि हम भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं तो ये चीजें कोई अर्थ, कहीं कोई मायने नहीं रखती। आप कितने ही प्रेमों में असफल हो जाएं, आपको वो चीज छुएगी नहीं। कोई आपका कितना ही अपमान कर दे, द्रौपदी से बड़ा तो अपमान कोई नहीं होगा ना किसी का, कितना बड़ा अपमान हुआ था, लेकिन ऐसा विचार आया द्रौपदी के मन में? नहीं आया ना, क्योंकि जिसका मन वास्तव में भक्ति की ओर लगा है, भक्ति मार्ग पर, उसके लिए चीजें कोई महत्व नहीं रखती, कुछ भी महत्व नहीं रखती, वो इनसे बहुत ऊपर उठ जाता है। तो तब उसको जीवन के कुछ बड़े लक्ष्य दिखाई देने लगते हैं,
ये सारी की सारी उपज जो इस समय मैं बता रहा हूं, प्रेम में असफल होना, अपने को अपमानित अनुभव करना, धन का खो जाना, पद का खो जाना, प्रतिष्ठा का खो जाना, इन सभी चीजों से निराश हो जाना, ये अज्ञान के सूचक हैं कि मन इतना समृद्ध नहीं है, भक्ति में इतना परिपूर्ण नहीं है, पका हुआ नहीं है, भीतर डिविनिटी की रिचनेस इतनी नहीं है, चित्त बेहद गरीब है। तो उस गरीबी की हालत में यह सब घट जाता है, क्योंकि ज्ञान की अमीरी भीतर नहीं है, वह होनी चाहिए। और उसके लिए निरंतर हमें जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, निरंतर उनके जीवन को पढ़ना चाहिए, उससे ही आत्मबल मिलता है। तो अपने आत्मबल को सशक्त करने के लिए सदा ऐसे लोगों का संग करें। भगवान बुद्ध की स्पष्ट देशना है, बुद्धम शरणम गच्छामि, जागे हुए व्यक्ति की शरण में जाओ, संघम शरणम गच्छामि, ऐसे लोगों का संग करो कि जो धर्म के मार्ग पर हैं, अध्यात्म के मार्ग पर हैं, भक्ति के मार्ग पर हैं, जो तुम्हें जीवन के उच्च मूल्यों की ओर ले जा सकते हैं। और उसके बाद धम्मम शरणम गच्छामि, तब आप वास्तव में धर्म की यानी ईश्वर की शरण में जाएंगे। तो मूल तत्व है अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित होकर। कहते हैं ना, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, तो रहिए, रहने की बात की गई है, मिटने की नहीं। तो राम की विधि के अनुसार हमें चलना है, भक्ति मार्ग को जीवन में साथ लेकर।